हाँ जी लक्ष्मी के पीछे पीछे नारायण के पीछे पीछे लक्ष्मी लक्ष्मी के पीछे पीछे कौन आ रहा है? नारायण के पीछे पीछे लक्ष्मी और लक्ष्मी के पीछे पीछे कौन कौन आ रहा है? लक्ष्मी की पूजा कौन करते हैं? है हाँ, वो भक्तों में किस तरह के भक्त होते हैं जो लक्ष्मी की ज्यादा पूजा करते हैं? साहूकार लोग पूजा करते हैं लक्ष्मी की नहीं है? तो लक्ष्मी के पीछे है साहूकार, जो बाबा बोलते हैं कि 16,000 की लिस्ट में आने से तो अच्छा है बड़े बड़े साहूकार बने, कम से कम राज्यसभा में तो बैठेंगे। राजाओं को भी इतने दास दासियां नहीं होते हैं, कोई कोई राजाओं को, जितने बड़े बड़े साहूकारों को दास दासियां होते हैं, बड़े बड़े महल होते हैं। ऐसे ऐसे साहूकार भी हुए हैं जिन्होंने राजाओं की राजाई रहन में रख ली। जैसे सत्ययुग के अंत में राम वाली आत्मा ऐसा साहूकार बनती है जो सत्ययुग के आखिरी नारायण की राजाई ही ले लेती है। उसके दिए हुए साहूकारी के धन से आखिरी नारायण की राजाई चलती रही और आखिरी वो राजाई भी डूब गई। नारायण का राज्य खलास हो गया और राम साहूकार की राजाई चालू हो गई। और एकलव्य बहुत अच्छा ही काम करते जैसे दिखाई दिया है, लेकिन एक और नब्बे का सीधी आउंगे एक नंबर के आउंगे क्यों निकाल दिए बाबा गुरुजी? भगवान जानते हैं एक को लव करने वाला है, ये है एक को प्यार करने वाला है, किसी दूसरे को प्यार करने वाला नहीं है। तो उसको मान मर्तबा लेने देगा है? नहीं लेने देगा। और बाबा बाबा ने मुरली में बोला है भगवान की जैसे शक्ति माया बेटी के होती है, माया बेटी ने किसी को नहीं छोड़ती, अशोक देव को भी नहीं छोड़ती, तो माया बेटी ने बाबा को भी नहीं छोड़ती क्या? बाबा माया बाबा को भी नहीं छोड़ती? ये कौन सी मुरली में कहा कि माया बाबा को भी नहीं छोड़ती है? माया बाबा को नहीं छोड़ती ऐसा तो मुरली में नहीं बोला, ये तो मनमत है। पूछ रहा है बाबा कि नहीं छोड़ती क्या? नहीं छोड़ती क्या? बाबा आप किसे समझते हैं? बाबा आप हद के गुरुओं को बाबा समझते हैं या बेहद का सदगुरु है उसको बाबा समझते हैं? जो सही सदगुरु उसको माया कैसे आएगी, उससे तो माया भागेगी। उस सदगुरु के बारे में जैन शास्त्रों में लिखा हुआ है
कि पहले तीर्थंकर वृषभदेव महाराज जहां जहां पहुंचते थे वहां अकाल बाढ़ सब खलास हो जाते थे, कोई भी प्रकार की माया उनका मुकाबला नहीं कर सकती। और अदृश्य को दृश्य में लाकर कैसे देखेंगे बाबा? जैसे आपने अभी जो इन आंखों से नहीं दिखाई पड़ता है शिव बाबा, उसको आंखों से देख लिया, देख लिया कि नहीं देख लिया है? ऐसे ही देख लेंगे। और सूक्ष्म शरीर में ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय होते हैं? सूक्ष्म शरीर में ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय होते हैं? सूक्ष्म होती है, स्थूल नहीं होती है। अगर उनको स्थूल हो फिर उनको प्रवेश करने की क्या जरूरत है स्थूल कर्मेंद्रियों वालों में? स्थूल शरीरधारियों में प्रवेश करने की दरकार है? फिर तो दरकार ही नहीं है। देखने सुनने का काम तो नहीं होता है? से देखने सुनने बोलने का काम तो नहीं होता। हाँ, प्रवेश करके काम करते हैं ना, बिना प्रवेश करे काम नहीं होता। नहीं, फिर तो सारा काम शिव बाबा खुद ही कर ले। और बाबा ने मुझे बताया सतिंग में यथा राजा रानी तथा प्रजा सब संपन्न होते हैं। सतिंग में यथा राजा रानी तथा प्रजा सब संपन्न होते हैं। तो आखिरी नारायण देवता मुझे उस टाइम जो साहूकार प्रजा होती बाबा जो बातें बताते हैं सतयुग की, वो संपन्न सतयुग की बातें बताएंगे आपको या गिरती कला के सतयुग की बात बताएंगे? तो बाबा तो ऊंची स्टेज वाले सत्य की बात करते हैं। आखिरी नारायण तो संपन्न स्टेज वाला नारायण नहीं है। बाबा कभी नीचा लक्ष्य नहीं देते हैं। बाबा नीचा लक्ष्य देते हैं या ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य देते हैं? ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य देते हैं। तो वो आत्मा वो आखिरी नारायण वाली आत्मा हमारी पर्दा से पर्दा कब लेती है? संगम में। किस तरह से लेती है? आप किसे समझते हैं कि आठवां नारायण कौन बनेगा? ज्योतिष भाई को समझते हैं। तो जब समझते हो तो फिर क्यों बोल रहे हो? उन्होंने ज्ञान का मनन चिंतन मंथन किया या मनमत और मनुष्य की मिक्सरिटी की ज्ञान में? मनमत मिक्स। हाँ, तो जो करना था वो नहीं किया, मान मर्तबा लेने वाली बातें करते रहे, मोटे मोटे ग्रंथ पुस्तकें शास्त्र आदि छपाते रहे, पैसे कमाते रहे, हवाई जहाजों में घूमते रहे, जो लक्ष्य था मनुष्य जीवन का, ब्राह्मण जीवन का, मनन चिंतन मंथन करना, किस चीज का? बाबा की वाणी का, वो नहीं किया। और किया किसने? राम वाली आत्मा ने किया, तो वो साहूकार बन गया। और उनकी राजाई डूब गई, चट हो गई। तो रामाजी आत्मा ने जो मंथन किया ना बाबा, हाँ, ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करके जो ज्ञान अमृत निकाला, तो वो जगदीश भाई ने कब उसका कर्जा के रूप में कब दिया? लास्ट में, जब आर्य समाज धर्म की आत्माएं आने लगेंगी तब की बात है। अभी तो बाबा के बच्चे ही नीचे ऊपर हो रहे हैं, वो ही पूरा पूरा नहीं ले रहे जो सूर्यवंशी बच्चे हैं। पहले सूर्यवंशी लेंगे या पहले आर्य समाज ही लेंगे? पहले तो सूर्यवंशी लेते हैं।
पक्ष सभी को क्या लगते है, उच्च पद के लिए किस पुरुषार्थ की जरूरत है बाबा? ऊंच से ऊंच पद लेना हो तो याद में टिक जाओ। ऊंच से ऊंच पद क्या है? नारायण। तो नारायण वाली आत्मा नारायण कैसे बन जाती है? याद से बन जाती है। और सब ताज हरि भजो। एक बाप की याद में टिकने से सब सब्जेक्ट संपन्न बन जावेंगे। और भगवान ने बताया वेतांत तक कोई कोई आ जाएंगे भरसा पाते हैं, और जो तीव्र प्रसादी होते हैं वो पहले पहले राजा का भरसा पाते हैं, और कम प्रसादी वाले और जो बाद में राजा के भरसा पाने वाले पहले वाले को भारी होते हैं। ठीक है, भारी होते हैं वो भारी होने वाले जब राजा का भरसा पाते हैं। हाँ, राजा ही का भरसा नहीं पाते हैं, राज घराने में प्रिंस प्रिंसेस बनकर के रह जाते हैं। राजा तो 108 ही होते हैं, लेकिन राजाई घराने में जन्म लेने वाले 16108 हैं, जो त्रेता के अंत तक तैयार हो जाते हैं। वो जो 108 में से शुरू में जो भरसा पाते हैं, हाँ, और वो 108 जो लास्ट में भरते हैं वो तो बाद में भरसा पाते हैं। 108वां, एक सौ आठवां जो होगा वो तो वो ही होगा जिसकी सीढ़ी में कटिंग दिखाई गई है 22वें 21वें जन्म में। राजाई कट गई ना, राजाई को गवाने के निमित्त बना, स्वर्ग के राज्य को नष्ट करने के निमित्त बना या बनाने के निमित्त बना? नष्ट करने के निमित्त बना, नष्ट करने के निमित्त बन गया। जो शुरू में भरसा जिसने पाया था उसका, वो बाद में जिसकी हृदय कट गई वो उसमें भारी होते हैं। वो पहले वाले जो राजा जिसने दिया था या पहले दूसरे जो होते हैं, ये एकदम पीछे वाले जिसकी हृदय कट गई वो पहले वाले से उनका भारी होते हैं या ऐसे राजा ही में रहते हैं? भारी होते हैं, जैसे कम पुरुषार्थी वाले होते हैं वो तो भारी ढोएंगे ना, पहले जन्म से लेकर के और आखिरी जन्म में जब उन्हें ताज पतलून मिलेगा तब तक भरी ढोते रहेंगे, और लास्ट जन्म में जाके उनको कोट पतलून मिल जाएगा। जब कोट पतलून मिल जाता है ना, हाँ, तो पहले पहले राजे वाले थे वो फिर उनके बदले में कर्म के गति के अनुसार वो साहूकार पद में चले जाते, मतलब वो फिर भरी ढोने वाले में नहीं आते। नहीं, वो कैसे आवेंगे? वो तो साहूकार साहूकार बनना पसंद करेंगे कि या किसी के खुट्टे बर्दारी करेंगे? उनको तो ज्ञान बुद्धि में समाया हुआ है ना, या तो राजा ही लेना है, अगर राजा ही नहीं लेते हैं तो क्या लेंगे? साहूकार बनेंगे। राम वाली आत्मा क्या करती है? और बाबा लक्ष्मी राधा कृष्ण को एक साथ जन्म देगी, उसका शूटिंग आदि में कैसे हुआ? यज्ञ के आदि में मम्मा आदि में ही निकली या थोड़ा बाद में निकली? बाद में निकली। तो जिस समय मम्मा निकली है उस समय ब्रह्मा को भी बुद्धि मिल गई मम्मा के निमित्त से, और उनकी बुद्धि में बैठ गया कि मैं कृष्ण बनूंगा और मम्मा राधा बनेगी, तो शूटिंग हो गई। और हाँ जी, ठीक है, अगर स्वर्ग का वर्षा लेना है
तो गेट वे टू हेवन इज महाभारत। महाभारत युद्ध से हर आत्मा को जरूर पसार करना पड़ेगा, और हर आत्मा पहले जन्म में स्वर्ग तो लेती ही है, स्वर्ग अर्थात जीवन मुक्ति। पहले जन्म में एक जन्म की जीवन मुक्ति हर आत्मा को मिलती है, तो संघर्ष तो हर एक को करना पड़ेगा सच्चाई के लिए। कोई कम करेंगे और कोई लंबे समय तक संघर्ष करेंगे। जिन्होंने धर्म युद्ध बड़े लंबे समय तक किया, सारा जीवन धर्म युद्ध किया, तो जन्म जन्मांतर की जीवन मुक्ति प्राप्त पावेंगे या थोड़ी पावेंगे? जन्म जन्मांतर का सुख पावेंगे। इसलिए धर्म युद्ध से कभी घबराना नहीं चाहिए। पांडवों में सबसे बड़ा युधिष्ठिर है, लेकिन द्रौपदी को भीम अर्जुन के साथ क्यों रखा गया? क्यों द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ नहीं रही क्या? वो तो पांचों ही पांडवों के साथ साथ निभाती है। ऐसे नहीं सिर्फ युधिष्ठिर के साथ साथ निभाया, हाँ भीम ने ज्यादा रक्षा की है। भीम ने सदैव द्रौपदी की रक्षा की है। अब जो रक्षक होगा उसके प्रति झुकाव तो जाएगा ना। और बाबा कौन सा ईश्वरी नियम है जो गरीब ही बाप का पूरा भरोसा लेते, साहूकार बाप को भरोसा नहीं ले पाते? क्यों साहूकार भी बाप के बच्चा बन नहीं सकते बाबा? ऐसा कौन सा ईश्वरीय नियम है जिसके कारण साहूकार बाप के बच्चे नहीं बनते, गरीब ही बन पाते, और वर्षा भी गरीबों को ही मिलता है? संगम युग में सिर्फ गरीब बनना अच्छा है कि हर जन्म में गरीब बनना अच्छा है? संगम युग में गरीब बनना अच्छा है। तो संगम युग में जो गरीब बनते हैं उन्होंने जरूर धर्म युद्ध किया होगा। जो ऐसा पाप लग गया कि नहीं दरिद्र सम पातक पुंजा, पापों का समूह दरिद्रता का मुकाबला नहीं कर सकता। राम वाली आत्मा यज्ञ के आदि में धर्म युद्ध के लिए शरीर छोड़ती है या अधर्म के लिए शरीर छोड़ती है? धर्म युद्ध करते करते शरीर छोड़ती है। धर्म युद्ध को लेकर के ब्रह्मा बाबा की सारी प्रॉपर्टी लेकर के चली जाती है। क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो अकेले कराची चले गए थे जब यज्ञ में झगड़ा शुरू हुआ। उन्हें झगड़ा पसंद था या नापसंद था? नापसंद था, इसलिए चले गए। तो धर्म युद्ध किया या नहीं किया? नहीं किया। संपत्ति सारी ब्रह्मा बाबा की थी या राम वाली आत्मा की थी? तो गरीब बनेगा या साहूकार बनेगा? गरीब बन गया। ऐसे गांव में आता हूं जहां के लोगों को पेट भर के रोटी भी नसीब नहीं होती।
और पापी मनुष्य विषय वैतरणी नदी से भव सागर से कैसे पार होगा। अरे कोई कितना भी बड़े से बड़ा पापी हो, पापियों के पाप नष्ट काय से होते हैं, हैं? बाप की याद से पाप नष्ट होते हैं। याद में होगा तो तैरता चला जाएगा। विषय वैतरणी नदी के ऊपर भी तैरता हुआ चला जाएगा, विषय सागर में भी तैरता हुआ चले जाएगा, डूबेगा नहीं। याद ऐसा कवच है जो पाप का लेस भी नहीं आने देगा। धर्मराज की सजाएं जीते जी होंगी या सूक्ष्म में होंगी, बाबा ने बोला है साकार शरीर धारण करा के सजाएं दूंगा, ऐसे नहीं सूक्ष्म शरीर से सजा भोग करके खत्म कर देंगे। जो ब्राह्मण यज्ञ में शरीर छोड़ रहे हैं सूक्ष्म शरीर धारण कर रहे हैं, उनको भी कोई न कोई शरीर में प्रवेश करना पड़े और प्रवेश करके सजाएं भुगतेंगे। और प्रवेश होने वाली आत्मा कैसे सजाएं देंगे? किसी शरीर में जब भूत प्रवेश करता है और औलिया उसे पकड़ लेता है तो शरीरधारी को तकलीफ होती है या भूत काएं काएं चिल्लाता है? भूत को भी परेशानी होती है। कंस ने देवी के सात पुत्रों को पटक पटक के मारा, इसका बेहद में क्या अर्थ है? यहाँ माया कैसे मारती है? पटक पटक के पटाक पटाक मारती है कि नहीं? तो ज्ञान में से टूट जाना और दुनियावी तरीके से चल पड़ना, यह है कंस के कुसावे में आ जाना। कंस ने कोस लिया अर्थात विकारी बनाई दिया। ऐसे बहुत हैं जो ज्ञान में तो चलते हैं, ज्ञान में चलने का ढकोसला भी करते हैं लेकिन पूरे विकारी बने पड़े। तो वो ज्ञान में है या नहीं है या मरे हुए हैं? वो तभी मर चुके थे जब उन्होंने विकार का रास्ता अपना लिया। उनको पुनर्जन्म मिलता है कि नहीं मिलता है? किनको?
वो बिचारे लेकर मर गए थे। वो ब्रह्मा को फॉलो करने वाली आत्माएं हैं या बाप को फॉलो करने वाली आत्माएं हैं? तो ब्रह्मा को फॉलो करने वाली आत्माओं को जन्म मिलता है इस दुनिया में? ब्रह्मा को जन्म मिला? नहीं मिला। तो उन आत्माओं को भी जन्म नहीं मिलता है। सूक्ष्म शरीर से भटकते रहते हैं। अगर शरीर छोड़ते हैं तो बाबा सूक्ष्म शरीर का स्वरूप कैसा होता है? लाइट का आकारी होता है। आकारी जैसे पहले सिनेमा होता था, बोलता चालता नहीं था, सिर्फ आकारी चित्र दिखाए जाते थे। बाद में टाकी बन गया, उसका नाम रख दिया टाकीज। ऐसे ही सृष्टि का जब निर्माण होता है तो संकल्पों से सृष्टि रची जाती है। मनन चिंतन मंथन के द्वारा नई दुनिया बनाई जाती है। सूक्ष्म दुनिया का सूक्ष्म रीति से निर्माण होता है, उसे कहेंगे मूवी दुनिया। ब्रह्मा ही संकल्पों से सृष्टि नहीं रचता, ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण भी संकल्पों से अपने लिए सृष्टि रचते हैं। और स्थापना के क्षेत्र में बड़े बड़े धर्म पिताएं हुए हैं, वो ऊपर से प्योर सोल आती है और जो धर्म पिताएं हुए हैं ना इस ट्रीम में धर्म पिताएं इब्राहिम बुद्ध पैसे वगैरह हुए। हाँ जी, तो वो ऊपर से प्योर सोल आती है और ये महान कर्म करके जाते हैं, महान कर्म करती है। हिस्ट्री में राजा भी सामान्य जनमानस से पैदा होकर के कोई बड़े बड़े राजा हुए हैं? नहीं, वो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, राजा कहाँ स्थापन करते हैं। वो जैसे वो राजा धर्म स्थापन करते हैं, वो प्योर सोल ऊपर से आती है। जो ऊपर से आत्मा आती है धर्म पिताओं की, वो सिर्फ धर्म स्थापन करती है। इसी तरह राजा में जो बड़े बड़े होते हैं उनमें भी प्योर सोल ऊपर से आती है या इनका कुछ? नहीं 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 नहीं, राजाएं बनने वाले तो बाद में राजाएं बनते हैं। राजाई देना तो बाप का काम है। तो उनमें कोई ऊपर से प्योर सोल नहीं? निर्विकारी राजाई, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बाप देता है, और विकारी राजाई जो महाविकारी है प्रजापिता, उसके द्वारा हिंसक राज्य मिलता है। और कोई कोई राजा ऐसे हुए हैं हिस्ट्री में बाबा, जो सामान्य घराने में पैदा होते हैं और पुरुषार्थ करके बड़े राजा भी बनते हैं। बाबर है, साधारण सिपाही था, साधारण सिपाही से बढ़कर के सारे भारत का सम्राट बनकर के बैठ गया। तो जरूर संगम युग में उस आत्मा ने ऐसा अभ्यास किया है। कि एक जन्म में ही अभ्यास करके नीचे से ऊंचा पद ले ले, बैगर टू प्रिंस बन जाए। जी फोन में बात कर रही हूँ। हाँ,
जो यहाँ ज्ञान धन बांटते हैं वो वहां जाकर के साहूकार बनते हैं। लेकिन कोई कोई ऐसे होते हैं जो ज्ञान तो बहुत सुनाते हैं परंतु अपने जीवन में धारणा नहीं करते हैं, तो वो भी साहूकार बनते हैं क्या? बनते हैं या नहीं बनते हैं? वो साहूकार नहीं बनते हैं, वो टीचर बनकर के रह जाते हैं। दूसरों को टीच करेंगे, खुद प्राप्ति नहीं करेंगे। ऐसे आज की दुनिया में भी टीचर होते हैं, खुद प्राइमरी स्कूल के टीचर बन जाते हैं, सारे जीवन प्राइमरी स्कूल के टीचर बनकर रहते हैं और उनके पढ़ाए हुए कलेक्टर बालस्टर और वकील और बड़े बड़े डॉक्टर बन जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। और नौ लाख आत्मा को क्षति में जाएगा, नौ लाख आत्मा को जाएगा। हाँ जी, और बाकी आत्मा होने के बाद परमधाम जाएंगे। अरे उन लोगों को भी परमधाम मिलेगा। परमधाम तो सबको जाना है, वो आत्माओं के बाप का घर है। और आत्माएं कितनी है, मनुष्य आत्माएं 500-700 करोड़, तो सब बाप के बच्चे हैं ना। बाप के बच्चों को बाप का घर नहीं नसीब होगा? जरूर नसीब होगा। और बाबा के बेसिक ब्राह्मण की दुनिया में जब बाबा का बच्चे पैदा होते हैं वो पुरुषार्थ करते करते विकार में गिरे और मर गए, उनको यह ढंग से पुनर्जन्म मिलता है, मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? अंत मते सो गति हो गई। बेसिक में का ज्ञान लेते लेते बेसिक के ऊपर ही निश्चय बुद्धि होते होते शरीर छोड़ा, तो उनको सूक्ष्म शरीर मिलेगा या स्थूल शरीर मिलेगा? सूक्ष्म शरीर मिलेगा। शरीर से मरे तो ज्ञान से मरे, और शरीर से नहीं मरे तो उनको फिर एडवांस में चांस मिलता है? ज्ञान से मर गए, शरीर से नहीं मरे, तो हो सकता है दोबारा ज्ञान में आ जाए? वो एडवांस में आ सकते हैं? क्यों नहीं आ सकते? और दिल्ली में बाबा ने बोला है कि विषय भी माया के घर में बने, माला का दाना बनेंगी। हाँ जी, हाँ, दिल्ली में बाबा ने बोला है कि विषय भी माला के दाना बनेगी। ठीक है, बनेंगी तो कैसे बनेगी? ऐसी वैश्याएं होती हैं कि नहीं जो गीत तो भगवान के गाती हैं? क्या करती है? गीत भगवान के गाती हैं, गणिका कही जाती हैं। उनका नाम क्या पड़ता है? गणिका, माने गीत तो गाती हैं परंतु खुद भगवान को नहीं पकड़ती। दुनिया भी मनुष्यों को पकड़ के बैठ जाती है या भगवान को पकड़ के बैठती है? अगर ऐसी गणिकाएं लास्ट में भगवान को पहचान जाएं, तो ऊंच पद पा सकती है या नहीं? पा सकती है। ऐसी गणिकाएं बेसिक में बहुत बैठी हुई हैं, जिन्होंने अंदर से भगवान बाप को पहचान लिया है, एडवांस का ज्ञान भी मिक्स करके सुनाती हैं, लेकिन खुद भगवान के नहीं बन सकते।
ऐसा भी टाइम आवेगा जो अव्यक्त वाणी में बोला हुआ है कि दोबारा समर्पण समारोह भी होगा। माने एक बार तो बेसिक में सरेंडर हो गए, लेकिन दूसरा भी समर्पण समारोह होगा। कहां सरेंडर होंगे? एडवांस में सरेंडर होना पड़ेगा। जो मुरली में बोला सब सेंटरों पर लिखना पड़ेगा आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय। और बोला है कि प्रमोद कुमार कुमार जी को खत्म करने के लिए लिखा है, इस बात पर देखिए कुछ क्या एडवांस के नेट में इंटरनेट में एडवांस के इंटरनेट में ब्रह्म कुमारियों को खत्म करने के लिए बोला है, ये बात सही है या नहीं? एडवांस के इंटरनेट में एडवांस के इंटरनेट में ब्रह्म कुमारियों को खत्म करने के लिए बोला है? एडवांस ने नहीं बोला, मुरली ने बोला है। ब्रह्मा के मुख से मुरली ने बोला है कि वो शब्द हटा दो, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी शब्द, और लिखो आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय। फिर आगे चल के सब सेंटरों पर लिखना पड़ेगा आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय। एडवांस बाद में आता है या मुरली बाद में आती है? एडवांस तो बाद में आया, लेकिन मुरली के महावाक्य में ये वाक्य बोला गया है। बेसिक वाले बोला है इंटरनेट है, बेसिक वाले बोला है वो संतर पार्टी में इंटरनेट में कुमार कुमारी को खत्म करने के लिए एडवांस के बेसिक वाले जैसा बताते हैं कि शंकर पार्टी बोलती है सब ब्रह्म कुमार कुमारियों को मार दो, मतलब जान से मार दो, ऐसा उन्हें किसी ने कहा। शंकर पार्टी होती भी है कुछ? अरे शंकर पार्टी होती है, जब होती नहीं है तो बोला कहां से? ये बाबा की तो भाषा नहीं है। शंकर पार्टी, ब्रह्मा पार्टी, विष्णु पार्टी, जो दुनिया के ऊंचते ऊंचे बच्चे हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, वो पार्टीबाजी करेंगे? शंकर पार्टी कहां से? तो जब शंकर पार्टी ही नहीं है तो ये बात कहां से निकलेगी? बेसिक को भाई बहनी बोल सके बाबा है, बेसिक को भाई बहनी बोल सके शंकर पार्टी। हाँ हाँ, तो जो बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं या सत्य बोलते हैं? तो वो तो खुद ही झूठ है। झूठ की बात तो आप सुन कैसे लेते हैं? अब सुन करके तभी तो यहां भरी सभा में बोल रहे हैं। आपके दिल के अंदर वो बात छू गई, आप उस बात को कुछ न कुछ सत्य समझ लिया है, तब भरी सभा में बोलने का साहस कर रहे हैं। नहीं तो अफवाह क्यों उड़ाना चाहिए? झूठी बात है, झूठी बात को बोलने से कोई फायदा नहीं। और बाबा बेहद में अन्ना हजारी कौन है? अन्ना तेलुगु में कहा जाता है बड़े भाई को, अन्नैया, और हजार माने हजारी माने हजार भुजाओं वाला। तो इस समय हजार भुजा वाले ब्रह्मा का पार्ट चल रहा है या नहीं चल रहा है? चल रहा है। कोई बेहद का अन्ना हजारी हो गया। और उदाहरण होता है
संस्कृत की गीता में भी आया गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम, गुह्यते गुह्य राज समझाता हूं। तो दुनिया वालों के हिसाब से बेसिक में जो ज्ञान सुनाया जाता है वो दुनिया वालों की नजर में गुह्य ज्ञान हो जाता है। पहले हम दुनियावी आदमी थे या ब्रह्मा कुमार थे? दुनियावी आदमी थे। जब हमने बेसिक ज्ञान लिया तो हमें पता चला ये तो गुह्य ज्ञान है। फिर गुह्यात गुह्यतरम, उस गुह्य से भी गुह्य ज्ञान तब मिला जब एडवांस में आ गए। इसलिए संस्कृत की गीता में ये गायन आ रहा है कि भगवान आते हैं तो गुह्य से गुह्य राज समझाते हैं। बेसिक में भी गुह्य ज्ञान दुनिया वालों के हिसाब से, फिर बेसिक के हिसाब से एडवांस में और ही ज्यादा गुह्य ज्ञान। तो गुह्यात गुह्यतरम ये गीता में गायन आया हुआ है। हिंदी में गोया शब्द आता है ना, गोया। गुह्य माने गहरा, गुह्य नहीं गोया। गोया गोया माने अर्थात। हिस्ट्री में दिखाया है कि बड़े बड़े राजाएं होते हैं, युद्ध में जाते हैं, हार जाते हैं तो दूसरे राजा उनकी राजगद्दी हड़प लेते हैं, अपने राज्य की वो सुरक्षा नहीं कर पाते हैं। उसकी शूटिंग यहां कैसे होती है? भक्ति मार्ग में भी ऐसे होता है। कोई भक्ति करने के लिए तीर्थ यात्रा करने जाते हैं घर परिवार के साथ, वहां तीर्थ यात्रा करने जाते हैं और उधर घर में सारा स्टोर सामान चोर ले जाते हैं। ऐसे ही बेसिक में भी होता है। ब्रह्मा कुमारियां तीर्थ यात्रा करने और कराने के लिए पार्टी ले जाती हैं और उनके सेंटर में सेंध लगा दी जाती है, सारा मक्खन कोई दूसरा चुरा ले जाते हैं, अच्छे अच्छे जिज्ञासु सारे चुराए लिए जाते हैं। तो आक्रमण हो गया कि नहीं? राजाई गवाई या प्राप्ति की? गवाई दी। और कोई कोई राजा अपनी राजाई स्वतः ही दे देते हैं, लड़ाई नहीं करते हैं। वो तो अच्छी बात है, सच्चाई के लिए खुद झुक जाए तो अच्छी बात है या खराब बात है? अच्छी बात है। हाँ, एडवांस में भर्ती करने के बाद कई बाबा की भक्ति ध्यान में आते हैं, वो सारे दस आते हैं, उनका आता पता नहीं रहता है। हाँ, तो फिर बाद में वो ध्यान उठाने चाहे तो फिर भक्ति करके ध्यान उठा सकते। हाँ, दोबारा भट्टी कर ले, माफीनामा लिख दे कि हमसे बड़ी भारी भूल हो गई। अब हम ऐसी भूल कभी नहीं करेंगे। और आप जोर से बोलिए। रोज कलश करते हैं, रोज क्लास करते हैं लेकिन बाबा को समझ नहीं पाते, उन्हें क्या करते हैं? बाबा से सम्मुख नहीं मिल पाते। क्लास रोज करते हैं बाबा का, बाबा के सन्मुख बैठकर क्लास करते हैं, नहीं, नहीं,
गीता पाठशाला में क्लास तो रोज करते हैं, लेकिन बाबा से सन्मुख नहीं मिल पाते, भर्ती करे थे ना, भर्ती करने के बाद जहाँ चाह वहाँ राह होती है, जिसको सच्ची लगन होगी वो तो कोई ना कोई तरीका निकाल लेगा। लगन नहीं होती है, पूरी पहचान नहीं होती है, तो रास्ता निकालने की दरकार भी नहीं रहती है। और परमात्मा द्वारा जीवन मुक्ति, ब्रह्म द्वारा जीवन मुक्ति, शंकर द्वारा। हाँ, ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, अब उनके द्वारा माने ब्रह्मा मीडिया नहीं बनेगा, लेकिन वही ब्रह्मा की आत्मा कोई माता के शरीर में प्रवेश करके ये कार्य संपन्न करा सकती है या नहीं करा सकती है? माताएं स्वर्ग का गेट खोलेंगी, तो माताओं में मुख्य माता कौन है? जगदम्बा। तो जगदम्बा कहो माने बड़ी अम्मा कहो या ब्रह्मा कहो, ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ, वास्तव में ये ब्रह्मा ही तुम्हारी जगदम्बा है, ऐसे मुरली में बोला गया है। इसे साबित होता है कि ब्रह्मा द्वारा ही जीवन मुक्ति मिलेगी, माता गुरु बगैर उद्धार हो नहीं सकता। और बाबा जगदम्बा तो महाकाली बनती है। हाँ, महाकाली स्वर्ग प्रत्यक्ष बनती है। असुरों का संहार नहीं होगा तो स्वर्ग प्रत्यक्ष होगा? हाँ? नहीं होगा। तो ऐसे ही निमित्त बनती है। महागौरी नहीं बनती? महागौरी सहयोगी बनती है, इसलिए राजमाता का पद ऊंचा माना जाता है, राजलक्ष्मी का पद ऊंचा नहीं माना जाता उतना। लक्ष्मी की पूजा दीपावली के अवसर पर ही होती है, और जगदम्बा की पूजा सदैव होती है। हाँ, जगदम्बा का छोटा मंदिर बनावेंगे, छोटी मूर्ति बनावेंगे, और लक्ष्मी का भव्य मंदिर बनाते हैं। क्या कारण हुआ है? हाँ, जो प्योरिटी की सेवा की है, धारणा युक्त सेवा, वो लक्ष्मी ने ज्यादा की है। जगदम्बा उतनी बड़ी सेवा नहीं करती, इसलिए छोटा मंदिर बनाया जाता है। और सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली मनोकामना देवी तो जगदम्बा है। सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली जगदम्बा है। हाँ, नेपाल में मनोकामना देवी का मंदिर है। हाँ, उसमें वो पशुओं का बलि चढ़ाते हैं। हाँ, तो पशुओं की बलि महाकाली के ऊपर चढ़ाई जाती है या लक्ष्मी के ऊपर चढ़ाई जाती है? पशुओं की बलि क्यों चढ़ाती है? जो जानवर है उन्हीं की तो मौत करेगी, मौत के घाट उतारेगी। जानवर बुद्धियों को मौत के घाट उतारेगी या देवताओं को उतारेगी? जानवर बुद्धियों को ही मौत के घाट उतारती है। मौत के घाट उतारने के बाद उनकी मनोकामना कैसे पूरी होती है?
उनकी मनोकामना शुद्ध होगी या अशुद्ध होगी? तो अशुद्ध मनोकामना है, जगदम्बा की होती है। तो मरने के बाद पूरा होता है? आत्मा कहीं मरती है क्या? शरीर को, शरीर मरता है, मनोकामनाएं भी कभी नहीं मरती हैं, क्योंकि मनोकामना करने वाली मन चैतन्य है। और उनका क्या मनोकामना था बाबा, जो मोक्ष के घाट उतरने के बाद उनकी मनोकामना पूरा होता है? ऐसी बहुत सी मनोकामनाएं होती हैं, ब्राह्मणों की जो मनोकामनाएं होती हैं वो भविष्य 21 जन्म के लिए होती है या इस जन्म के लिए होती है? हाँ, तो फिर ऐसी वो भी होती है। तो मरने के बाद पूरी हो जाती है? हाँ, मरना, तुम समझते हो कि आत्मा मरती है? नहीं, शरीर मरता है, आत्मा थोड़ी ही मरती है। हाँ, बाबा वो देवी की भाकल करते हैं, किसी की संतान नहीं होते हो, पुत्र पैदा ऐसे भाकल करते हैं, पैदा होने के बाद बकरा लेके चढ़ाते हैं। हाँ? तो अपना बच्चा बचाने के लिए बकरे का बच्चा वहाँ बलि देती है। हाँ, ये कैसा, ये संगम में कैसे ये शुद्ध मत है? संगम में होता नहीं है ये, अपना बच्चा बचाने के लिए दूसरे का बच्चा बलि चढ़ाते। संगम में वो होता नहीं है, संगम में बेसिक में अपने बच्चे बनाने बचाने के लिए दूसरों की मौत नहीं करवा देते हैं, झूठी बातें सुना के। अरे अभी अभी तो भाई बोल रहे थे। मुरली में भी बाबा ने बोला है, झूठी बातें सुनाकर औरों की दिल ही खराब कर देती है। और टीवी देखते रहते हैं और टीवी के ही प्रश्न पूछते रहते हैं। शास्त्रों में दिखाया है कि शकुंतला दुष्यंत को पानी पिलाती है तो आधा पानी पीता है और आधा जमीन पर गिरता जाता है, क्योंकि दुष्यंत की दृष्टि शकुंतला के ऊपर रहती है। तो इसका शूटिंग यहां कैसे होता है? है दुष्यंत का अर्थ क्या है? दुष्य माने दोष, दोष माने पाप, अंत माने अंत करने वाला, दुष्यंत माने पापों का अंत करने वाला। तो पाप का अंत करने वाला दुष्यंत कौन हुआ? है जो शिव बाबा का पार्ट है वो ही दुष्यंत हो गया, और शकुंतला, शकुनी कहते हैं पक्षी को जिसको ज्ञान योग के पंख हो, वो किसकी बच्ची थी? है? हाँ, परिजात की बच्ची थी। तो परियों के कौन से पंख होते हैं? ज्ञान योग के पंख जिसको थे उसकी बच्ची है शकुंतला। उसने
ज्ञान जल पिलाया। किसको? दुष्यंत को। तो जब ज्ञान जल पिलाया तो जल आधा जमीन में गिरा और आधा पिया। कारण क्या हुआ कि बुद्धि किसमें लटक गई? दुष्यंत की बुद्धि शकुंतला में लटक गई। इसलिए जो बेसिक ज्ञान पूरा ग्रहण करना चाहिए वो नहीं ग्रहण किया। ये शास्त्रों में दिखाया है। और ओम शांति।